इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद शायद पवन सिंह के सभी फैंस की आज आंखों में आंसू भर जाने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। बता दें आपको कि लगभग 10 महीने बीत चुके हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के शादी को, और 10 महीने में से 10 बार भी पवन सिंह जी आरा अपने वाइफ से मिलने नहीं जा पाए हैं, क्योंकि पवन सिंह जी काफ़ी व्यस्त रहते हैं अपने फिल्मों की शूटिंग के कारण। इसी कारण अपने परिवार के त्याग के कारण ही पवन सिंह जी एक के बाद एक भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी फिल्में हिट दे रहे हैं। लेकिन बता दें आपको कि 3 दिसंबर को पवन सिंह जी रांची में अपने फिल्म क्रैक फाइटर की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान पवन सिंह जी को एक फ़ोन आता है, उसमें बताया जाता है कि पवन सिंह जी के बड़े भाई गुड्डू सिंह का लड़का हुआ है। और जैसे ही पवन सिंह जी को ये बात पता लगती है, तुरंत पवन सिंह जी अपने फिल्म की शूटिंग को रोक कर तुरंत अपने गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने गांव पहुंचते हैं शाम तक और अपने भतीजे को खिलाते हैं, उसके बाद अपने परिवार से मिलते हैं और रात को सोने के बाद वहां पर सुबह जैसे तैयार होकर अपने फिल्म शूटिंग के लिए, क्रैक फैक्ट्री के लिए वो निकलते हैं रांची की तरफ। जैसे अपने कार में बैठते हैं, तुरंत उनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह और उनकी जो माता है वो तुरंत रोने लगती हैं, उनका मुंह काफ़ी भावुक हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो अब रो देंगी। और उनके चेहरे को देखने के बाद पवन सिंह जी भी चश्मा पहन लेते हैं और अपने चेहरे को छुपा लेते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि जल्दी यहाँ से गाड़ी भगाओ। इसके बाद पवन सिंह जी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और इसकी जो खबर है, जो हमने आपको बताया है इस खबर के बारे में, पवन सिंह जी ने खुद इसका खुलासा किया है इंस्टाग्राम पर। पवन सिंह जी ने लिखा है कि मेरे और मेरी पत्नी और मेरी माता का आप ख्याल रखिएगा, आप सभी दर्शक ऐसी आशीर्वाद दीजिए और मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने परिवार को त्याग कर, अपने परिवार को छोड़कर, उनसे दूर रहकर, वो दर्द सहकर अपने आपके लिए, भोजपुर इंडस्ट्री के लिए बड़ी बड़ी फिल्में बनाते रहूं। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर खुद पवन सिंह जी ने ये लिखा है। वैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि पवन सिंह, खेसरीलाल यादव या कोई भी स्टार या एक्टर या सिंगर, शायद वो बहुत अच्छा खाता होगा, बहुत अच्छा कमाता होगा। लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, अपने परिवार को छोड़कर धूप में मेहनत करते हैं सालों साल, तब जाके वो एक फिल्म बनाते हैं ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री में और भोजपुरी भाषा का विकास हो सके और हमारे भोजपुरी के स्टार्स दिन रात लगे हुए अपने परिवार को त्याग कर ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम ऊँचा हो सके। वैसे पवन सिंह जी भी उस सरहद के जवान से कम नहीं है, जो जवान हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं अपने परिवार को छोड़कर, अपने परिवार, अपने माता पिता को त्याग कर और हमारे देश पर, हमारे देश की रक्षा करते हैं। उसी तरीके से पवन सिंह जी भी अपने परिवार को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, वो हमारे लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर कड़ी मेहनत में, धूप में मेहनत कर बड़ी बड़ी फिल्में लाते हैं। तो ये सभी दर्शक, हमें ज़रूर इस फिल्मों को देखनी चाहिए और अपनी भाषा पर गर्व करनी चाहिए। और आप सभी दर्शक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भोजपुरी स्टार, जो 3 स्टार इस समय मौजूद है, सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, पवन सिंह, खेसरीलाल यादव या दिनेश लाल नीरव जी इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में। अगर खबर अच्छी लगी हो और भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब।